आज शाम को हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे और हम यहाँ कुमाऊं मंडल वाले में रुके हुए हैं। यहाँ पे अच्छा है इस तरह। अभी हम स्टे कर रहे हैं माँ उल्का देवी रेस्ट हाउस में और ये एक कुमाऊं मंडल की यूनिट है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। हाँ, तो यहाँ से हम पहुंच गए हैं शहीद स्मारक। तो ये इसलिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और नीचे मेन रोड है, इसी से हम गए थे। हम व्यू देख रहे हैं, अब भाभी खड़ी है, अब भूमि ऐसे बैठी हुई है, उसको अच्छा लग रहा है। यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू दिख रहा है और यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी हम यहाँ मार्केट में आ गए हैं, भूमि को टॉयज भी दिखने लगे हैं। इस तरफ आए हैं हम, तो हमें कहा कि यही है मेन मार्केट पिथौरागढ़ का, तो इस साइड चले जाओ। यहाँ से हम अब अंदर को आ गए हैं, पार्किंग हमने अंदर ही कर रखी है। इनके यहाँ प्लांट्स बहुत सुंदर हैं, ये मैं सुबह दिखाऊंगी। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज शाम को हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे और हम यहाँ कुमाऊं मंडल वाले में रुके हुए हैं, और अब यहाँ से हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो ही दिखाएंगे। यहाँ पे अच्छा है इस तरह, ऐसे है। चलो भूमि, चलो भाई, यहाँ से भूमि जा रही है साथ में हमारे और हम इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पार्किंग का भी सही है, और शहर से थोड़ा सा ऊपर है तो ठीक है। यहाँ पे ऐसे है कुमाऊं मंडल का, तो सही है ये। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बना रखा है, शिव जी का झरना है यहाँ पे, और ये अच्छा लग रहा है बहुत। अभी हम स्टे कर रहे हैं माँ उल्का देवी रेस्ट हाउस में और ये एक कुमाऊं मंडल की यूनिट है। तो यहाँ पे प्लांट्स बहुत ही सुंदर लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, तो वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी यहाँ का कैसा है। बहुत ही बढ़िया प्लांट्स लगे हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, तो इधर देवी मंदिर है, तो उन्होंने हमें बता दिया था अंदर से ही जाना है। यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल है, इसमें जाएंगे। यहाँ माँ उल्का देवी मंदिर है, ये है शहीद स्मारक यहाँ पे बना हुआ, और ये है कुमाऊं मंडल का जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। और यहाँ से इधर अगर व्यू देखना है तो उसके लिए है रास्ता, यहाँ ऊपर की साइड है हमारा रूम उस तरफ, और यहाँ पे भी है। पर थोड़ा सा व्यू दिखाई दे रहा है इस तरह से, और बाकी आगे की साइड से दिखेगा। हाँ, तो यहाँ से हम पहुँच गए हैं शहीद स्मारक। तो ये इस तरह से है, यहाँ पे नाम लिखे हैं सबके। कुमाऊं मंडल के पास ही है शहीद स्मारक। और यहाँ शहीद आरती, वीरों की जननी, ये भी लिखे हुए हैं। इधर हम स्टे कर रहे हैं पिंक वाले में, और अब शहीद स्मारक के बगल में ही है माँ उल्का देवी मंदिर। ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और नीचे मेन रोड है, इसी से हम गए थे यहाँ माँ उल्का देवी गेस्ट हाउस में। यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से एंट्रेंस है माँ उल्का देवी मंदिर की, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मंदिर के लिए। बचाएगी जोर से बजा, हाँ जोर से बजाओ, नहीं बजाओ, भारी हो रहा है। यहाँ से हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइल्स बहुत सुंदर लगा रखी है इस तरह से। यहाँ से टाइल्स बहुत सुंदर है। अब यहाँ से हम व्यू देख रहे हैं, अब भाभी खड़ी है, अब भूमि ऐसे बैठी हुई है, उसको अच्छा लग रहा है। क्या देख रहे हैं वहाँ से? पता है ना, मम्मी पकड़
तो यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू दिख रहा है और यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पे इस तरह की खेत है। हाँ, और ये मंदिर के पीछे का एरिया है। ऐसे ये मंदिर है, ये एंट्रेंस है, ये वाली एंट्रेंस है मालका देवी मंदिर की। और यहाँ से भी पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है, मतलब जो वहाँ का मार्केट वाला एरिया है वो सब। अभी तो हम यहाँ से इधर जा रहे हैं क्योंकि कुमाऊँ मंडल का काफ़ी ऊपर है, इसलिए मार्केट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक मंदिर है, आरती हो रही है इसमें। तो अभी हम यहाँ गोविंद वल्लभ पंत स्मारक के यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से हम नीचे के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ मार्केट में आ गए हैं, भूमि का टॉयज भी दिखने लगे हैं, इस तरफ आए हैं हम। तो हमें कहा कि यही है मेन मार्केट पे थोड़ा गढ़ का, तो इस साइड चले जाओ, तो इधर की साइड आए हम। तो यहाँ से हम मार्केट के लिए जा रहे हैं। तो नाम लिखा हुआ है सिमलगैर बाज़ार, तो वो है ये पिथौरागढ़ का। तो यहाँ से फिर हम आगे आगे जाएंगे मार्केट के लिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे घूम लो, एक भैया थे पीछे, मार्केट है वहाँ पे, इस तरह की शॉप है। यहाँ पे ये है, लकड़ी का काम हो रखा है। तो यहाँ के मार्केट में भी इस तरह की पुरानी शॉप है जिनमें लकड़ी का काम हो रखा है, और इस तरह की न्यू शॉप्स भी हैं। और यहाँ भी इस तरह की शॉप्स, और ये जैसे मेरठ में भी लगा रहता था पहले डिवाइडर के लिए, इस तरह की स्कूटी बीच में लगा दी, साइड में से खुला छोड़ दिया। तो यहाँ पे कारें नहीं आती, यहाँ पे कारों के लिए बंद कर रखा है, बाकी खुला है। तो इस तरह से है यहाँ शॉप्स, सभी चीज़ों की शॉप है यहाँ। यहाँ से नीचे के लिए भी है मार्केट, और फिर यहाँ से ऊपर आगे के लिए भी है मार्केट। एक इधर भी है मार्केट जाने का रास्ता, और इधर से भी है मार्केट जाने का रास्ता। तो अब हम मार्केट में यहाँ से ऊपर आ गए हैं। ये है गांधी चौक, और यहाँ गांधी जी का स्टैचू है, गांधी चौक है ये। तो अभी हम पिथौरागढ़ में इस रेस्टोरेंट में आ रखे हैं, मार्केट में है ये, और भूमि यहाँ पे झूला झूलने लग गई है, उसको सही लग रहा है झूला। और तो ये ऐसा है, और इसमें आगे की साइड स्वीट शॉप है। अभी हम यहाँ पे डिनर करेंगे, और भूमि बनाने लग गई है क्ले से कुछ अपने आइटम्स। अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमारा रूम है। भूमि इधर आओ। तो यहाँ से हमें अंदर जाना है इधर। अभी हमें मार्केट जाते वक्त यहाँ से दूर नहीं लगा, पहले लग रहा था फर्स्ट टाइम में। यहाँ जाना है हमें, यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल भी दिखा रखे हैं। यहाँ से हम अब अंदर को आ गए हैं, पार्किंग हमने अंदर ही कर रखी है। इनके यहाँ प्लांट्स बहुत सुंदर हैं, ये मैं सुबह दिखाऊंगी। सकुलेंट भी है, वॉन्ड्रिंग जू तो बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। यहाँ पे सारे फ्लावरिंग वाले लगा रखे हैं प्लांट्स, और इधर भी। और अब हम पहुँच गए हैं अपने होटल में, और अब रेस्ट करेंगे। आज के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया पिथौरागढ़ का मार्केट, तो थोड़ा सा ही दिखाया हमने। वहाँ से हम डिनर करके आ गए हैं, और हम अपने ये गेस्ट हाउस में आ चुके हैं। तो अब कल देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।